नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको परमार्थ तथा नाभिक वाले चैप्टर से ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके 5 साल के अंदर बोर्ड पेपर सेट में पूछे गए हों, या ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी के होंगे। तो बच्चों, हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तैयारी के लिए आपको 2 काम करना है। पहला काम ये कि पिछले 5 साल के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड पेपर सेट में, उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए। दूसरा काम ये कि एनसीईआरटी में पूछे गए सभी फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। यदि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन और पिछले 5 साल में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको बोर्ड पेपर सेट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों, हर एक साल आपके बोर्ड पेपर सेट में परमार्थ तथा नाभिक वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाता है। यदि बच्चों इसके पहले पार्ट का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए और आज के इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न को मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए। तो चलिए बच्चों, पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। तो चलिए बच्चों, हम आपको बताते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि सोडियम परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव 2.1 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इस परमाणु द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की दीर्घतम तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। यहां पे क्या दे रखा है कि सोडियम परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब यह है कि परमाणु को अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या परमाणु 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेता है निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये निम्नतम ऊर्जा स्तर है और ये उच्च ऊर्जा स्तर है, तो इस निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए, ठीक है, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेता है परमाणु। क्लियर? अब देखो, तो परमाणु जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, मान लीजिए परमाणु जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो उत्सर्जित तरंग की अधिकतम तरंग दैर्ध्य मान लीजिए लैम्डा है और आवृत्ति मान लीजिए आपका न्यू है। न्यू को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वी के जैसा। न्यू न्यू मीन्स होती है बच्चों आवृत्ति। क्या होता है? आवृत्ति। 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि परमाणु को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होती है, या परमाणु अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेता है। ठीक, और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो मान लेंगे कि जो उत्सर्जित विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य होगी वो लैम्डा है और उसकी आवृत्ति क्या है? न्यू है। हमें क्या निकालना है? महत्तम तरंगदैर्ध्य का मान निकालना है। ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। ठीक है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है डेल्टा ई बराबर एच न्यू। क्या कहता है? एच न्यू। डेल्टा ई बराबर बच्चों कहता है एच न्यू का मान होता है, न्यू का मान होता है बच्चों सी बटे लेमडा। यहाँ आप साइड में लिख लेना, न्यू एक आवृत्ति है, सी क्या है? वायु वेन निर्वात में प्रकाश की चाल है, और ये बच्चों लेमडा उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य है। क्लियर? तो क्या कह रहा है बच्चों? सोडियम परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जिससे जो परमाणु है निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। मतलब दोनों ऊर्जाओं के जो बीच का अंतर है उसको डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल्टा ई का मान बच्चों दिया है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? एच आपका प्लांक नियतांक है, सी आपका वायु निर्वात में प्रकाश की चाल है, और लैम्डा बच्चों क्या है? तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो जो तरंग दैर्ध्य होता है वो आपका क्या होता है? अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है। इसको आप लैम्डा मैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, लैम्डा मैक्स को आप उधर लिख चले जाओ,
मतलब अधिकतम तरंग दैर्ध्य आपका हो जाएगा एच सी बटे ये हो जाएगा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब आप ध्यान दो तो लैम्डा मैक्स बराबर एच बच्चों क्या है, प्लांक नियतांक है, मान इसका प्रश्न में ही दे रखा है। प्लांक नियतांक का मान है 6.6×10⁻¹⁴ गुणे सी। क्या है? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल दिया है 3×10⁸ और नीचे 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बच्चों जूल में बदलो, ठीक है, ऊर्जा है ना, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में बदलोगे तो 1.6×10⁻¹ से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1.6×10⁻¹। क्लियर? अब आप ध्यान दो, अब इसका कैलकुलेशन जितना अच्छे से कर लो, क्योंकि आपको फंसना होगा तो आप कैलकुलेशन में ही फंसोगे। अब आप इसे लिख लो 6.6×10⁻¹⁴3×10⁸ या आप ऐसे करो, कैलकुलेट करते चलो। ध्यान दो, देखो एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव, तो 6.6 से दशमलव हटा दो, 2.1 से दशमलव हटा दो, बेस सेम बच्चों पावर ऐड, ठीक है। तो -34 में +8 को ऐड करोगे, ये आप लिख दो 66×, यहाँ 3 है ना, इसको 3 लिख दो, बेस सेम पावर ऐड, तो -34 में जब 8 को ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 10⁻¹⁶, ठीक। और नीचे बच्चों 2.1 से दशमलव हट गया है, ये हो गया 21, और 1.6 से भी आप दशमलव हटा दो, दशमलव जब यहाँ हटाओगे तो ये हो जाएगा 16×10⁻¹। क्लियर? और 10⁻¹⁹ है, 10⁻¹⁹ को ऊपर लिख चले जाओ तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁹। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 7 बच्चों क्या हो गया 21, ठीक है। 2×8 = 16 और 2×3 = 6, 2×3 = 6। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, लैम्डा एक्स को लिखेंगे, यहाँ हो गया आपका 33 लिख लो, बेस सेम पावर ऐड, तो -26 + 19 कितना हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा -7। अब बच्चों ये 10⁻¹ है, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो 10⁻¹ हो जाएगा और नीचे 8 × 7 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 56। क्लियर? अब आप ध्यान दो, तो ये मैक्स हो गया और 33 × 10 में गुणा कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों 330×10⁻¹⁷ बटे हो जाएगा 56। क्लियर? तो बच्चों अब क्या करो, 330 में 56 से भाग दे दो। बच्चों 330 में जब 56 से भाग दोगे तो आपका आएगा 5.893×10⁻¹⁷ मीटर। क्लियर? यदि आप तरंग दैर्ध्य का मान एंगस्ट्रॉम में निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको हम बता दें 1 मीटर में बच्चों होता है 10⁻¹⁰ एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? 1 मीटर में 10⁻¹⁰ एंगस्ट्रॉम। तो तरंग दैर्ध्य आपका निकल के आ जाएगा 5.893×10⁻¹⁰×10⁻¹⁰ एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अब आप इसे लिख देंगे अधिकतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा मैक्स बराबर 5.893, बेस सेम और पावर ऐड हो जाएगा तो 10 में से 7 जाएगा, क्या होगा बच्चों 10³³ एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो लैम्डा एक्स बराबर हो गया 5.893, 10³³ का मतलब होता है 1000, ठीक है। अब जब आप 1000 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5893 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बच्चों? ठीक है, प्रश्न में क्या दे रखा था कि सोडियम परमाणु की प्रथम उत्तेजन विभव 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब क्या होता है कि परमाणु अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लेता है या उसको 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत आप सभी लोग जानते हैं, डेल्टा ई बराबर होता है एच न्यू, न्यू बराबर होता है सी बटे लैम्डा। इस फार्मूले का प्रयोग करके हम लैम्डा का मान निकाल दिए, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। जितना बेहतरीन तरीके से आपका बेसिक कैलकुलेशन होगा उतने बेहतरीन तरीके से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है।
तो चलिए बच्चों अब हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल निम्नतम ऊर्जा स्तर एवं दो उच्चतर ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु का एक निम्नतम ऊर्जा स्तर दे रखा है और इसके ऊपर के दो ऊर्जा स्तर दे रखे हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब ध्यान देना, कह रहा है ऊर्जाएं क्रमशः -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हाइड्रोजन परमाणु का निम्नतम ऊर्जा स्तर है और ये उसका दो ऊर्जा स्तर ऊपर का है, तो इसका बच्चों ऊर्जा दिया हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, और अपने से दो उच्च ऊर्जा स्तर जो है उसका ऊर्जा दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका दे रखा है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना प्रश्न पे, कह रहा है कि इन ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण से, संक्रमण क्या होता है, जब परमाणु अपने अपने किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो इस घटना को हम बच्चों क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि उत्सर्जन एवं अवशोषण, अब ध्यान देना यहां बात आ गई उत्सर्जन और अवशोषण की, अभी हम इसको समझाते हैं। स्पेक्ट्रम रेखाओं की संगत ऊर्जाओं की गणना कीजिए। क्लियर, अब ध्यान दो, तो उत्सर्जन संक्रमण क्या होता है बच्चों, परमाणु अपने किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से अपने निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, किसी भी निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो इस घटना को हम उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। सबसे पहले हम आपको यहां उत्सर्जन संक्रमण का आरेख खींच के बताते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस ऊर्जा स्तर से इस निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है तो ये आपका उत्सर्जन संक्रमण हो गया, ये आपका उत्सर्जन संक्रमण हो गया, अब बच्चों ये आपका उत्सर्जन संक्रमण हो गया, तीन उत्सर्जन संक्रमण आपका प्राप्त हो गया। ठीक, बात आती है अवशोषण संक्रमण की, तो अवशोषण संक्रमण जो होता है जब परमाणु अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है, निम्नतम ऊर्जा स्तर से मीन्स मूल अवस्था से किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो इस घटना को हम अवशोषण संक्रमण कहते हैं। ठीक है, तो अवशोषण संक्रमण में बच्चों दो घटना होगा, इस ऊर्जा स्तर से इसमें प्रवेश करेगा, इस ऊर्जा स्तर से बच्चों इसमें प्रवेश करेगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि उत्सर्जन संक्रमण में तीन उत्सर्जन संक्रमण संभव है और अवशोषण संक्रमण में दो संक्रमण संभव है। क्लियर, तो कह रहा है कि इनकी संगत ऊर्जाओं की गणना की। ठीक है, अब आते हैं संगत ऊर्जाओं की गणना कैसे कर, संगत ऊर्जाओं की गणना का मतलब ये हो गया कि इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर, फिर इसके और इसके ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर, इसके और इसके ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतर, मतलब जिस ऊर्जा स्तर से जिस ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो रहा है उन ऊर्जा स्तरों के बीच का ऊर्जा अंतर कितना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। बात समझ में आ गई, अब देखो तो हम लिखेंगे उत्सर्जन संक्रमण में, उत्सर्जन संक्रमण में तीन स्थितियां संभव हैं, तीन स्थितियां संभव, इसलिए इनकी संगत ऊर्जाएं, इनकी संगत ऊर्जाएं, ध्यान देना, तो इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में संक्रमण हो रहा है तो इनकी जो संगत ऊर्जा होगी क्या होगी बच्चों, इस ऊर्जा में से, ठीक है, इस ऊर्जा को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दो ऊर्जा स्तरों के बीच का जो ऊर्जा अंतर निकाला जाता है, ठीक है, वो माइनस करके निकालेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर को हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा स्तर की वैल्यू है बच्चों -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और निम्न ऊर्जा स्तर की वैल्यू क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, ये हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप क्या करो, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को माइनस करोगे, रफ वर्क आप कर लो, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अच्छा 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 3 गया 0 और यहाँ हो जाएगा 1,
मतलब बच्चों ये हो जाएगा आपका प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पहले उत्सर्जन संक्रमण का बच्चों जो अंतर है ऊर्जाओं का, संगत ऊर्जाएं जो हैं वो आपका है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम दूसरे उत्सर्जन संक्रमण की बात करेंगे, तो दूसरा उत्सर्जन संक्रमण आपका इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में हो रहा है। ठीक है, इनके बीच के ऊर्जाओं का जो अंतर होगा वो आपका होगा, ये भी माइनस में है, ये होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर को माइनस करते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या है माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और निम्न ऊर्जा स्तर की बच्चों ऊर्जा क्या है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ध्यान दो, ये हो जाएगा आपका माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप क्या करो, 13.6 में से 1.5 को माइनस कर दो, 1.5, 5 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 1, मतलब ये आपका आ गया प्लस 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दूसरा उत्सर्जन संक्रमण बच्चों निकल गया। ठीक है, अब देखो तीसरा उत्सर्जन संक्रमण जो हो रहा है इस वाले ऊर्जा स्तर से इस वाले ऊर्जा स्तर में हो रहा है। इनकी संगत ऊर्जा निकालने के लिए क्या करेंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में से उनकी संगत निम्न ऊर्जा स्तर को माइनस करेंगे। तो इसमें से इसमें आ रहा है, इसका क्या है माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या है बच्चों माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपका ये हो जाएगा माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को माइनस करेंगे, तो 3.4 1.5, 14 में से 5 गया बच्चों 9 हो गया और 2 में से 1 गया 1, मतलब ये आपका आ जाएगा प्लस 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके सामने निकल के आ गया तीनों उत्सर्जन संक्रमण की जो संगत ऊर्जाएं हैं, पहली है आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बच्चों तीसरा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे अवशोषण संक्रमण। यहाँ अवशोषण संक्रमण की कितनी स्थितियां संभव है, दो स्थितियां संभव है। ठीक है, लिखोगे चूंकि अवशोषण संक्रमण में दो स्थितियां संभव हैं, दो स्थितियां संभव। ठीक, अवशोषण संक्रमण का मतलब परमाणु का अपने निम्न ऊर्जा स्तर से किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना, इनके भी बीच का जब ऊर्जा का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो उच्च ऊर्जा स्तर में से निम्न ऊर्जा स्तर को हम माइनस करेंगे, तो इनकी जो संगत ऊर्जा होगी, पहली जो संगत ऊर्जा होगी वो आपका हो जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस कर देंगे माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस हो गया प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 13.6 में से 3.4 माइनस करो बच्चों तो हो जाएगा प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, अब दूसरी अवशोषण संक्रमण निकाल लो, इनकी भी संगत ऊर्जा जो होगा वो हो जाएगा माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह हो जाएगा माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी है और आपके बोर्ड पेपर सेट में भी पूछा गया है। क्लियर, तो चलिए बच्चों अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पाश्चन श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम तरंगदैर्ध्य क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 श्रेणियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। जिन बच्चों को यह कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो आप नोट कर लेंगे,
लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और एक बच्चों होता है पाश्चन श्रेणी और चौथा होता है आपका ब्रैकेट श्रेणी, ठीक है, और पांचवा होता है बच्चों फुंड श्रेणी, ठीक है। आप ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाश्चन श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम तरंग दैर्ध्य याद कीजिए। तो तरंग दैर्ध्य का जो फार्मूला होता है एक बटे लेमडा बराबर होता है आर एक बटे एन वन का स्क्वायर माइनस एन टू का होल स्क्वायर। तो बच्चों एन वन यहाँ जो है वो निम्नतम ऊर्जा स्तर है, हर एक श्रेणी का निम्नतम ऊर्जा स्तर फिक्स है, ठीक है। आप ध्यान देना, लाइमन श्रेणी का जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है वो एन वन बराबर एक है, बामर श्रेणी का जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर है एन वन बराबर दो है। आप नोट कर लेना यदि आपको पता नहीं होगा तो, पाश्चन श्रेणी का न्यूनतम ऊर्जा स्तर एन बराबर तीन है एन वन बराबर, ब्रैकेट का बच्चों एन बराबर चार है, फुंड का एन बराबर एन वन बराबर क्या है पाँच है। आप इसे क्रम वाइज याद कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि इन श्रेणियों का न्यूनतम ऊर्जा स्तर क्या है, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी का न्यूनतम ऊर्जा स्तर होता है एन वन बराबर एक, इसे आप सीख लो, आगे भी इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। बामर का एन वन बराबर होता है दो, पाश्चन का एन वन बराबर होता है तीन, ब्रैकेट का बच्चों होता है चार और फुंड का होता है पांच, क्लियर। अब आर क्या है यहाँ पे, आर है बच्चों रीड वर्ग नियतांक, क्या है रीड वर्ग नियतांक, और रीड वर्ग नियतांक की जो वैल्यू होती है आर बराबर होता है 1.097 गुणे 10 पे 7 मीटर पे माइनस 1, क्या होता है मीटर पे माइनस 1, क्लियर। अब आप ध्यान दो, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि पाश्चन श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम तरंग दैर्ध्य क्या है। अब आप ध्यान देना, लिख लेना आप पाश्चन श्रेणी के लिए, पाश्चन श्रेणी के लिए फार्मूला होगा एक बटे लेमडा बराबर आर, ठीक। अब देखिए पाश्चन श्रेणी के लिए न्यूनतम ऊर्जा स्तर क्या है बच्चों, तीन है, तो एन वन की जगह हम तीन लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आर एक बटे हो जाएगा तीन का स्क्वायर माइनस यहां हो गया एन टू का स्क्वायर। अब हमसे क्या कह रहा है कि लघुत्तम तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों लघुत्तम तरंग दैर्ध्य के लिए, लघुत्तम तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य के लिए आप एक बात और ध्यान रखना, जो एन टू की वैल्यू होती है पाश्चन श्रेणी में, पाश्चन श्रेणी में जो एन टू होता है वो चार से स्टार्ट होगा क्योंकि पाश्चन श्रेणी का निम्नतम ऊर्जा स्तर तीन होता है, ठीक है। तो चौथे ऊर्जा स्तर क्या होगा, पाश्चन श्रेणी का पहला ऊर्जा स्तर होगा, ठीक है। मतलब N2 मतलब उच्च ऊर्जा स्तर पाश्चन श्रेणी में स्टार्ट होगा चार से, चार पाँच छः डाट 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 अनंत तक जाएगा। तो बच्चों लघुत्तम तरंग दैर्ध्य के लिए जो N2 का मान होगा वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। दो बात याद रखना, लाइमन के लिए न्यूनतम ऊर्जा स्तर एक, बामर के लिए दो, पाश्चन के लिए तीन, ब्रैकेट के लिए चार, फुंड के लिए पाँच। फार्मूला होता है एक बटे लेमडा बराबर आर एक बटे एन वन स्क्वायर माइनस एक बटे एन टू का होल स्क्वायर। आर है बच्चों रीड वर्ग नियतांक, इसका मान होता है 1.097 गुणे 10 पे 7 मीटर पे माइनस 1। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछता है कि रीड वर्ग नियतांक का मान तथा मात्रक बताइए, तो बच्चों इसका मान होता है 1.097 गुणे 10 पे 7 और मात्रक होता है मीटर पे माइनस 1। बात क्लियर। तो यहाँ हमसे पाश्चन का लघुत्तम तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है और लघुत्तम तरंग दैर्ध्य के लिए जो उच्च ऊर्जा स्तर होती है वो अनंत होती है, ठीक है। तो बड़े आराम से अब आप लघुत्तम तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। आर का मान क्या है बच्चों, 1.097 गुणे 10 पे 7, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ है बच्चों इनफाइनाइट, ठीक है। अब आप ध्यान दो, तो एक बटे लेमडा बराबर हो जाएगा 0.97 गुणे 10 पे 7, ये हो गया 1/9 माइनस 1/ इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 1/ लेमडा बराबर मिल गया 1/9 को आप आगे लिख लो, फिर 1.097 गुणे
दस पे सात। तो बच्चों अब आप इसे लिख सकते हो एक बटे लेमडा बराबर 1.097 गुणे 10 पे 7 बटे 9। क्लियर। अब लेमडा निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लेमडा को इधर लेके जाओ, 9 को उधर लेके जाओ, तो 9 बराबर हो जाएगा लेमडा गुणे 1.097 गुणे 10 पे 7। यदि आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप ऐसे भी लिख लो, 9 बटे 1.097 गुणे 10 पे 7 बराबर हो जाएगा लेमडा। ठीक है बच्चों, अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो लेमडा मिनिमम मीन्स लघुत्तम तरंग दैर्ध्य निकल करके आ जाएगी 8204.1 गुणे 10 से माइनस 10 मीटर। क्लियर। यदि आप इसे एंगस्ट्राम में बदलना चाह रहे हैं तो बच्चों एक एंगस्ट्राम में होता है 10 से माइनस 10 मीटर। ठीक है, तो इस 10 से माइनस 10 मीटर की जगह आप एंगस्ट्राम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8204.1, यहाँ आप एंगस्ट्राम लिख दो। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो इस कॉन्सेप्ट पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। बस आप ध्यान रखना, लाइमन के लिए निम्नतम ऊर्जा स्तर 1 होता है, बामर के लिए 2, पाश्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फुंड के लिए बच्चों क्या होता है 5। मीन्स इस फॉर्मूले में N1 की वैल्यू फिक्स है, R की वैल्यू फिक्स है, बदलेगी केवल N2 की वैल्यू। ठीक है, तो लाइमन में जो N2 की वैल्यू स्टार्ट होगी वो 2 से स्टार्ट होगी, बामर में 3 से स्टार्ट होगा, पाश्चन में 4 से, ब्रैकेट में 5 से और फुंड में बच्चों क्या होगा 6 से स्टार्ट होगा। बात क्लियर। तो चलिए बच्चों अब हम आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। ये भी जो हाइड्रोजन परमाणु की 5 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी श्रेणी, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी है, उन्हीं श्रेणियों से संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, ठीक है, 6560 एंगस्ट्राम है, कह रहा है इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो बामर श्रेणी बच्चों किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए आपका जो फार्मूला होगा वो होगा 1/λ बराबर R। ठीक है, हम आपको बच्चों क्या फार्मूला बताए थे कि 1/λ बराबर होता है R, 1/N1² माइनस 1/N2² तो N1 क्या है बच्चों निम्न ऊर्जा स्तर है, और बामर के लिए निम्न ऊर्जा स्तर जो होता है वो दूसरा होता है, तो इसको लिखेंगे 2² माइनस 1/N2² तो बच्चों बामर के लिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, N2 बराबर आपका स्टार्ट होगा 3 से, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत। क्लियर, तो कह रहा है कि प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य इतना है। ठीक है, अब ध्यान दो, तो प्रथम रेखा के लिए, प्रथम रेखा के लिए, तो बामर श्रेणी की जो प्रथम रेखा के लिए हो जाएगा फार्मूला 1/λ1। ठीक है, प्रथम रेखा को लेमडा वन मान लो, आर यहां हो जाएगा 1/2² माइनस, अब देखो N2 क्या है बच्चों 3 से स्टार्ट होगा बामर में, तो ये आपकी प्रथम रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये तीसरी है, ये चौथी है, डॉट अनंत तक है। ठीक है, तो प्रथम रेखा में N2 का मान क्या है 3 है, तो ये आप लिख दोगे 3² और इसको आप सॉल्व करो, तो ये हो गया R, 1/ बच्चों हो गया 2×2=4 माइनस 3×3=9। ठीक, तो 1/λ1 बराबर हो गया R, और 4 और 9 का बच्चों LCM ले लो। ठीक है, तो 4 और 9 का LCM हो जाएगा आपका 36, तो 4×9=36, 9×9=36, 4। ठीक, अब आप ध्यान दो, अब आप लिख सकते हैं कि 1/λ1 बराबर R इंटू 9 में से 4 जाएगा बच्चों क्या होगा 5 होगा, 5/ क्या होगा 36, तो 1/λ1 बराबर आ जाएगा 5 R, 5 का R में गुणा होगा 5R/36।
ठीक है, लेमडा वन को यदि आप सीधा करते हो तो लेमडा वन बराबर हो जाएगा 36/5 R। क्लियर, देखो लेमडा वन ऊपर जाएगा तो 36 भी ऊपर जाएगा। इसे आप बना लो समीकरण नंबर एक। और पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य भी दे रखी है कि 6560 एंगस्ट्रॉम होता है। बाद में इसे हम वैल्यू पुट करेंगे। फिर कह रहा है कि इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो तीसरी रेखा के लिए हम क्या करेंगे, बामर के लिए जो निम्न ऊर्जा स्तर होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। तो तीसरी रेखा के लिए अब आप ध्यान देना, तीसरी रेखा के लिए जो फार्मूला बनेगा, मान लीजिए लेमडा 3 हो गया R, बामर के लिए निम्न ऊर्जा स्तर n1 का मान तो 2 होता है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो तीसरी रेखा कौन सी होगी बच्चों, ये होगी पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, और ये 5 क्या होगी बच्चों, तीसरी रेखा होगी। ठीक है, तो तीसरी रेखा n2 की जगह हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, 1/λ3 यहाँ हो गया R, ये हो गया 1/4 माइनस 5 क्या हो गया बच्चों, 25। ठीक है, तो 25 और 4 का LCM क्या हो जाएगा, 25 और 4 का जो LCM होगा बच्चों वो आपका होगा 100। ठीक, तो 4 × 25 = 100, तो यहाँ आपका हो गया 25, और 25 × 4 = 100, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 4। अब आप ध्यान दो, तो ये हो जाएगा 1/λ3 बराबर R, 25 में से 4 गया क्या होगा 21, 25 में से 4 गया 21/100, तो 1/λ3 बराबर हो गया 21 R/100। अब आप क्या करो, लेमडा 3 को सीधा कर लो तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य, तो इसलिए लेमडा 3 बराबर हो जाएगा 100/21 R। इसे आप बना लो समीकरण नंबर 2। क्लियर, हमें निकालना है तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य, और पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य बच्चों दे रखी है 6560 एंगस्ट्रॉम। अब आप क्या करो, समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा लेमडा 3 डिवाइडेड बाय लेमडा 1। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 100/21 R, डिवाइड का साइन लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 36/5 R। R क्या है, रेडबर्ग नियतांक है, तो लेमडा 3/λ1 बराबर 100/21 R। भागा को गुणे में चेंज करोगे तो ऊपर हो जाएगा 5 R/36। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हो R से R बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर, अब आप ध्यान दो, तो लेमडा 3/λ1, अब आप जो यहाँ पे कट पिट हो रहा है उसे कट कर दो। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया बच्चों 4 × 9 = 36, और 4 × 25 = 100 हो गया 100। 4 × 9 = 36, और 4 × 25 = 100 क्या हो गया बच्चों, 100। क्लियर, अब आप क्या कर सकते हैं, 25 × 5 गुणा करेंगे तो ये आपका होगा 125, और 21 × 9 गुणा करेंगे तो 9 × 1 = 9, और 9 × 2 बच्चों हो जाएगा 18। क्लियर, तो लेमडा 3 बराबर हो जाएगा 125/189 गुणे लेमडा 1। ठीक, और प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य आपका दे रखा है। इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न बोर्ड पेपर सेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत सारा मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर सेट में 4-5 क्वेश्चन इसी टाइप का पूछेगा। ठीक है, जितने भी पेपर सेट होते हैं हर एक पेपर सेट में इन सब टाइप के क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। ठीक है, तो लेमडा 1 की जो वैल्यू है दिया है 6560 एंगस्ट्रॉम। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर निकल करके आ जाएगा 4339 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो प्रश्न क्या दे रखा था, प्रश्न दिया था कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी, बामर श्रेणी बच्चों श्रेणियों में दूसरे नंबर पे आता है, इसलिए उसका न्यूनतम ऊर्जा स्तर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फार्मूला हो जाएगा 2 का स्क्वायर n2, n2 का मान शुरू होता है 3, 4, 5 से, तो 3 क्या है प्रथम रेखा के लिए, और दूसरे रेखा के लिए 4 यूज होगा, और तीसरे रेखा के लिए बच्चों 5 यूज होगा। ठीक है, तो प्रथम रेखा के लिए पहले हम सॉल्व किए तो लेमडा 1 बराबर आ गया 36/5 R, समीकरण 1 बना लिए। तीसरी रेखा के लिए n2 का मान क्या हो गया, 1, 2, 3, 5 हो गया, इसको आप कैलकुलेट किए तो लेमडा 3 बराबर आ गया 100/21 R। ठीक है, और समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड कर दिए
तो आपका निकल के आ गया 4339 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, ये प्रश्न बच्चों एनसीईआरटी में भी पूछा गया है और ये प्रश्न आपके बोर्ड पेपर सेट में 2012 में भी पूछ रखा है। ठीक है,